बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, माय नेम इज़ मुनीर अहमद, आई एम योर कंप्यूटर टीचर। टुडे वी डिस्कस द टॉपिक अबाउट सेफ गार्डिंग प्राइवेसी। आज हमने सेफ गार्डिंग प्राइवेसी को डिस्कस करना है। सेफ गार्डिंग प्राइवेसी हम किसे कहते हैं? सेफ गार्डिंग प्राइवेसी, जिस तरह से आप कभी रोड्स के ऊपर सफ़र करें तो वहाँ पर साइन बोर्ड्स लगे होते हैं जिनके ऊपर लिखा होता है कि आपको वाच किया जा रहा है कैमरे में, जिस तरह आपकी गाड़ी की स्पीड को वाच किया जाता है कि आप किस स्पीड से जा रहे हैं, और इसी तरह अगर आप रॉन्ग साइड से जा रहे हैं तो भी कैमरे में आपको वाच किया जाता है और आपकी पिक्चर बना ली जाती है आपकी गाड़ी की और चालान आपके घर आ जाता है। तो इस तरह से वो जो आपको नोटिस करने के लिए, आपको इन्फॉर्म करने के लिए जो साइन बोर्ड्स लगी होती हैं रोड्स के ऊपर, इसी तरह कुछ सॉफ्टवेयर या कुछ वेबसाइट्स जब आप उनके ऊपर लॉगिन होते हैं तो वो आपसे, आपको पहले रजिस्ट्रेशन करवानी पड़ती है, वो आपसे आपका डाटा मांगते हैं, तो ये भी आपकी एक प्राइवेसी है। और वो आपको शो भी करते हैं कि ये डाटा आपसे किस पर्पज़ के लिए लिया जा रहा है और कहाँ कहाँ इस डाटा को जो है वो शेयर किया जा सकता है। तो ये भी आपकी सेफ गार्डिंग प्राइवेसी के अंदर ये चीज़ें आती हैं। इसी तरह चैप्टर नंबर 4 का पेज नंबर 78 पर देखें कि जो आज का हमारा टॉपिक है, सेफ गार्डिंग प्राइवेसी ऑफ अदर्स, दूसरों की जो सेफ गार्डिंग प्राइवेसी है उसे आज हमने पढ़ना है, डिस्कस करना है। देखें कि डिड यू नोटिस द बोर्ड्स ऑन रोड अबाउट कैमराज वाचिंग यू। जब आप रोड के ऊपर, वो कहता है कि आप सफ़र कर रहे होते हैं तो आपको कैमरा जो है वो देख रहा होता है, कि क्या आपको, आप नोटिस करते हैं इस चीज़ को। द पर्पज़ ऑफ सच नोटिस इज टू अलार्म यू। वो कहता है कि ऐसे जो हमारे पास नोटिस होते हैं उनका मकसद क्या होता है? आपको बताना, आपको अलार्म करना, किसके मुतालिक? योर प्राइवेसी एंड कीप विद इन सर्टेन रूल्स एंड रेगुलेशन, कि आप जो है उन सर्टेन मखसूस रूल्स और रेगुलेशन के तहत जो है वो आपको वाच किया जा रहा होता है उन कैमराज के जरिए। आगे देखें कि सिमिलरली स्पीड कैमराज आर अनाउंस बिफोर टेकिंग योर पिक्चर और रिकॉर्डिंग योर वीडियो। इसी तरह जो स्पीड कैमराज हैं वो भी अनाउंस करते हैं आपकी पिक्चर लेने से पहले या आपकी वीडियो बनाने से पहले। दीज स्टेप्स आर जस्ट टू सेफ गार्ड योर प्राइवेसी। तो ये जो स्टेप्स हैं ये आपकी प्राइवेसी को की जो है वो सेफ गार्डिंग के लिए जो है वो यूज होते हैं। जिस तरह से यहाँ पर ये डू यू नो के अंदर देखें सीसीटीवी लिखा हुआ है, के सीसीटीवी स्टैंड फॉर क्या होता है? क्लोज्ड सर्किट, क्लोज सर्किट टेलीविजन। सीसीटीवी स्टैंड फॉर, ये आपका एज अ एमसीक्यूज आ सकता है, ठीक है, कि सीसीटीवी स्टैंड फॉर क्या होता है? क्लोज सर्किट टेलीविजन। आगे देखें कि इन द सेम वे व्हेन यू गिव इंफॉर्मेशन टू एन ऑर्गेनाइजेशन। इसी तरह से जब आप किसी ऑर्गेनाइजेशन को कोई इंफॉर्मेशन देते हैं तो इट इज़ द ड्यूटी ऑफ दैट ऑर्गेनाइजेशन टू सेफ गार्ड योर प्राइवेसी। तो उस ऑर्गेनाइजेशन की जो ड्यूटी है कि वो आपकी, आपका जो डाटा है, जो इन्फॉर्मेशन है, उसको अपने हद तक रखे, उसे किसी के साथ शेयर ना करे। योर इन्फॉर्मेशन इज स्टोर इन नादरा। और इसी तरह वो कहता है कि आपकी जो इन्फॉर्मेशन है वो नादरा में भी स्टोर होती है जब आप आईडी कार्ड बनवाते हैं। नादरा स्टैंड्स फॉर क्या होता है ये भी आप देख लें। नादरा स्टैंड्स फॉर क्या होता है? नेशनल डेटाबेस रजिस्ट्रेशन अथॉरिटी। आगे देखें कि अलोंग विद इंफॉर्मेशन ऑफ योर अदर फैमिली मेंबर्स, और नादरा में जिस तरह से आपके इंफॉर्मेशन के साथ साथ आपकी फैमिली मेंबर्स की इंफॉर्मेशन भी जो है वो ली जाती है, तो वो भी आपकी एक प्राइवेसी है।
आगे देखें कि सो सेफ गार्डिंग दिस डाटा इज एन एथिकल रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ नादरा। तो नादरा की ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो एथिकल इश्यूज या एथिकल रिस्पॉन्सिबिलिटी है उसकी कि वो आपके डाटा की सेफ गार्डिंग करें, मीन कि आपके डाटा को किसी के साथ शेयर ना करें। आगे कि मोस्ट ऑफ द वेबसाइट्स आल्सो डिक्लेयर देयर प्राइवेसी पॉलिसीज इंडिकेटिंग व्हाट इंफॉर्मेशन दे कलेक्ट फ्रॉम यू एंड योर कंप्यूटर। इसी तरह बहुत सारी वेबसाइट्स हैं, जब आप उनके ऊपर रजिस्ट्रेशन करवाते हैं, लॉगिन होते हैं, तो वो आपसे आपकी डेट ऑफ बर्थ, आपका नेम, आपका सेल नंबर, डिफरेंट डाटा आपसे कलेक्ट करते हैं। तो ये उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि उस डाटा की वो प्राइवेसी रखें और उस डाटा को अपने तक रखें, किसी दूसरी कंपनी को, किसी ऑर्गेनाइजेशन को आपके डाटा जो है वो शेयर ना करें। आगे देखें कि एंड विद होम दे विल शेयर इट, जिसे उन्होंने शेयर करना होता है या जिस तरह से, जिस प्लेटफॉर्म पर उन्होंने डाटा को शेयर करना होता है, तो वो उनकी पॉलिसीज में शामिल होता है। जैसे ही आप उस वेबसाइट को ऑन करते हैं या उस ऐप को इंस्टॉल करते हैं, तो उनकी पॉलिसीज सामने आती हैं कि हमारी जो ऐप है इसकी ये पॉलिसीज हैं, और आप अलाउ करते हैं तो एप्लीकेशन जो है वो इंस्टॉल होती है, अदरवाइज नहीं होती। अलाउ करने का मतलब आप उनको इजाज़त दे रहे हैं कि वो आपके डाटा तक एक्सेस कर सकें या आपके डाटा को शेयर कर सकें। आगे देखें कि पीपल यूजली डू नॉट रीड दीज पॉलिसीज, आमतौर पर लोग जो हैं वो इन पॉलिसीज को पढ़ते नहीं हैं, बस जस्ट उसे इंस्टॉल कर लेते हैं ऐप को। आगे है कि मोस्ट देयर प्राइवेसी इज फुली प्रोटेक्टेड ड्यू टू द प्राइवेसी पॉलिसी, उनकी जो प्राइवेसी है, उनका जो डाटा है, वो कहते हैं वो फुली प्रोटेक्टेड होता है अकॉर्डिंग टू प्राइवेसी पॉलिसी। आगे एक्चुअली दीज वेबसाइट्स वांट्स टू इन्फॉर्म यू दैट हाउ फार दे विल गो टू सेफ गार्ड योर पॉलिसी, और वो कहता है कि एक्चुअली ये जो वेबसाइट्स हैं ये आपको इन्फॉर्म कर रही होती हैं कि वो आपके डाटा की प्राइवेसी जो है वो कितनी प्राइवेसी रखेंगी, आपके डाटा को कहाँ कहाँ शेयर करेंगी, और इसी तरह आपके डाटा की जो है वो रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है वो किस हद तक उस एप्लीकेशन की या उस वेबसाइट की है। तो ये टॉपिक हमारा आज का जो है ये सेफ गार्डिंग प्राइवेसी से रिलेटेड है। इसके अंदर आपने क्वेश्चन जो हैं वो लिखने हैं, सेफ गार्डिंग प्राइवेसी होती क्या है ये आपने लिखना है। आपकी जो लाइन नंबर 8 है कि दिस स्टेप्स आर जस्ट, यहाँ से लेकर आपने इसे थर्ड लाइन तक लिखना है उसकी, सेफ गार्ड योर प्राइवेसी तक। इसी तरह आपने लिखना है नादरा स्टैंड्स फॉर, और इसी तरह सीसीटीवी स्टैंड्स फॉर आपने लिखना है। सेकंड पैराग्राफ का जो मोस्ट ऑफ द वेबसाइट्स है, तो आपने लिखना है क्वेश्चन के प्राइवेसी इन द व्हाट इज़ द प्राइवेसी रिलेटेड टू द वेबसाइट्स। उसके बाद आपने जो सेकंड पैराग्राफ है ये आपने कंप्लीट लिखना है। तो ये आज का लेक्चर हमारा यहाँ तक कंप्लीट हुआ। इस हवाले से अगर आपको कोई क्वेश्चन क्लियर नहीं हुआ तो आप मुझसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। थैंक यू।